ट्रांजिस्टर हमारे पास ऐसे डिवाइसेस हैं जो हमारे पास रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करते हैं। ट्रांजिस्टर के नाम से ही जाहिर है कि ये वो वाला डिवाइस है जो क्या करता है, ट्रांसफर करता है हमारे पास किसी रेजिस्टेंस को, किसी भी सर्किट के अंदर ये ट्रांसफर करेगा रेजिस्टेंस को। ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई, मतलब कि किसी भी आपके पास कोई भी सर्किट है उसके अंदर आपने रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करना है, तो वहाँ पर आप जो है ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं। ट्रांजिस्टर जो है बेसिकली हमारे पास डायोड से बनती हैं। हम लोगों ने डायोड में दो पार्ट पढ़े थे, एक हमारे पास पी टाइप होता है और एक हमारे पास एन टाइप होता है। लेकिन अगर हमें किसी डायोड को ट्रांजिस्टर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं कि अगर ये हमारे पास एक डायोड है ना, ये डायोड के दो पार्ट हैं, एक पी टाइप है और एक एन टाइप, हम क्या करते हैं इसके साथ डायोड का एक पार्ट और अटैच कर देते हैं। या तो हम ये करते हैं कि यहाँ पर हम लोग एन पार्ट अटैच कर देते हैं, या हम एक ऐसी कंडीशन ले आते हैं कि हमारे पास एन यहाँ पर होता है दरमियान में और इसके साइड पे दो हम लोग पी टाइप के रीजन लगा देते हैं, जिस वजह से ये हमारे पास एक पी एन पी डायोड बन जाता है। और बेसिकली इस डायोड को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर की जो है दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास यूनिपोलर होते हैं, एक हमारे पास यूनिपोलर ट्रांजिस्टर है और दूसरे हमारे पास जो है डाईपोलर है। एक हमारे पास पहले यूनिपोलर आ गए और जो ट्रांजिस्टर की दूसरी टाइप है वो हमारे पास बाईपोलर आ गई। ये हमारे पास बाईपोलर आ गई। तो ट्रांजिस्टर की दो टाइप आ गई, एक हमारे पास बाईपोलर आ गई और एक हमारे पास यूनिपोलर आ गई। यूनिपोलर में क्या होता है इसकी भी आगे मजीद दो एग्जांपल्स हैं, दो टाइप्स हैं। इसमें जो करंट है, बेसिकली मुझे पहले बताना चाहिए, इसमें जो करंट है ट्रांसफर होता है या तो वो फ्री होल्स की वजह से हो सकते हैं या वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो सकता है। या तो फ्री होल्स या इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में से किसी एक चीज़ की वजह से जो है यूनिपोलर ट्रांजिस्टर में जो है हमारे पास करंट ट्रांसफर होता है। और इसकी दो एग्जाम्पल है, एक जिसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास FET है, यानी कि हमारे पास फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, और दूसरे को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास JFET है, यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है और एक जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। इन दोनों ट्रांजिस्टर के अंदर क्या हो रहा है कि या तो हमारे पास करंट जो है ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या वो होल्स की वजह से हो रहा है। यहाँ पर भी करंट जो है ट्रांसफर हो रहा होता है इस जो है ट्रांजिस्टर की वजह से, लेकिन या तो वो होल्स की वजह से होगा या वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। जबकि जो हमारे पास बाईपोलर ट्रांजिस्टर है इसमें जो करंट ट्रांसफर होता है वो दोनों की वजह से होता है, उसमें फ्री होल्स भी होते हैं और उसके साथ साथ जो है इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, बल्कि यहाँ पर जो होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहना चाहिए, ये हमारे पास होल्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे या तो होल्स की वजह से हैं या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पर क्या होता है बाईपोलर में, होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से ही हमारे पास करंट ट्रांसफर होता है। इसकी जो टाइप है इसकी बहुत सी टाइप आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर है जैसे कि मैंने बताया है और PNP ट्रांजिस्टर आ जाता है। या तो हम लोग ट्रांजिस्टर को डायोड की मदद से इस तरीके से बना सकते हैं कि दो हिस्से जो दो रीजन हैं हम लोग एन टाइप के ले लें और एक रीजन जो है पी टाइप का ले लें, या एक रीजन एन टाइप का ले लें दो रीजन पी टाइप के ले लें। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ट्रांजिस्टर बन जाता है। बेसिकली दो डायोड को हम एक दूसरे के ऊपर लगा देते हैं और हमारे पास दो डायोड के हिस्सों को लेने से हमारे पास एक ट्रांजिस्टर बन जाता है जो कि क्या करता है रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करता है। अब हमारे पास हमें ये तो मालूम है कि ट्रांजिस्टर ने तीन हिस्सों से मिलकर बनना है, मतलब कि एक डायोड के हम लोग तीन हिस्से तीन पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो दो एन हो सकते हैं या दो पी हो सकते हैं। अगर मैं दो एन यूज़ करूँगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका नाम रखना पड़ेगा NPN। और जो एक रीजन आप इस्तेमाल करेंगे से आप दरमियान में रखते हैं, मतलब कि आप इन दोनों कैपेसिटर के टाइप में जो एक रीजन इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि आपके पास अगर ये NPN है तो इसमें P का सिर्फ एक ही रीजन है, उस P को आप मिडल में रखते हैं और इसका नाम दे देते हैं NPN। सिमिलरली यहाँ पर आपने N का एक रीजन इस्तेमाल किया तो इसे मिड में रखेंगे और बाकी दो साइड्स पे आप P के दो रीजन लगा देंगे, तो इसे क्या कहेंगे PNP ट्रांजिस्टर। तो इस तरीके से आपके पास दो ट्रांजिस्टर की टाइप आ जाती है जिसे आप या तो दो जो है आपके पास N टाइप से मिलकर बनाते हैं या दो P टाइप से मिलकर बनाते हैं। अब क्या होता है कि आपको ये भी पता चल गया कि ट्रांजिस्टर की दो टाइप है, या तो यूनिपोलर है या बाईपोलर। हम बेसिकली यहाँ पर जो है ज़्यादातर बाईपोलर के साथ काम करेंगे क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से जो है हमारे पास करंट ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर हम इन दोनों की वजह से NPN और PNP को डिस्कस करेंगे। अब हमें ये भी मालूम है कि ये हमारे जो है इस तरीके से ट्रांजिस्टर को हम लोगों ने डायोड की मदद से बना लिया। अब क्या होता है कि हम लोग इस ट्रांजिस्टर के पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं।
हर ट्रांजिस्टर में तीन पार्ट होते हैं, चाहे वो एनपीएन हो या पीएनपी हो। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एनपीएन हो गया या हमारे पास पीएनपी हो गया, इन दोनों के अंदर हमारे पास तीन पार्ट्स हमेशा होंगे, चाहे हम कोई भी ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हो। इन दोनों में से एक हिस्सा होता है हमारे पास जो है कलेक्टर, और एक हिस्सा होता है अमीटर, और दरमियान वाला जो हिस्सा होता है इसे हम हमेशा बेस कहते हैं। मतलब कि बेस के दोनों साइड पे या तो अमीटर हो सकता है या हमारे पास जो है कलेक्टर हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि ये आपके पास कलेक्टर है इस केस में, और ये आपके पास अमीटर है, और दरमियान वाला हिस्सा जो है बेस है। सिमिलरली यहाँ पर ये चीज़ बेस है, और ये वाला पी टाइप जो है ये कलेक्टर है, और यहाँ पर ये वाला पी टाइप जो है ये अमीटर है। एमीटर का काम बेसिकली क्या होता है कि एमीटर के पास बहुत ज़्यादा जो है एमीटर के पास जो है मेजोरिटी ऑफ चार्ज कैरियर होते हैं, जिससे जो है करंट प्रोवाइड किया जा सकता है। तो एमीटर का बेसिकली काम क्या है कि चार्ज कैरियर को इसने प्रोवाइड करना है अगले दो सेक्शंस की तरफ, यानी बेस और कलेक्टर की तरफ। बेस जो है एक दरमियान वाला पार्ट होता है, ये बहुत ही थिन होता है, इसे हाईली डोप्ड नहीं किया जाता। जबकि जो कैपेसिटर जो हमारे पास इमीटर है ये वाला पार्ट, इमीटर को हर कैपेसिटर के अंदर हाईली डॉप किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसे एमिट करना होता है अपने पास, जिसके पास बहुत ज़्यादा चार्ज कैरियर होते हैं उसे इसे एमिट करना होता है कलेक्टर और बेस की तरफ, इसलिए बहुत ज़्यादा हाईली डॉप होता है। और बेस जो है ये लेस डॉप होता है, बहुत ही कम इसकी डॉपिंग की जाती है, क्योंकि ये ना तो प्रोवाइड करता, बल्कि इसने क्या करना होता है कि जब ये इमीटर से आए हुए इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर को एन टाइप की तरफ प्रोवाइड कर रहा होता है, ये कलेक्टर की तरफ प्रोवाइड कर रहा होता है, तो इस सिचुएशन में कुछ जो है अपने पास में रख लेता है जो चार्ज कैरियर है, लेकिन ये बहुत ही कम डॉप होता है। ज़्यादातर डॉप जो है हमारे पास इमीटर ही होता है। और कलेक्टर क्या करता है, कलेक्टर ने जो इमीटर की तरफ से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं या फ्री होल्स हैं उन्हें अपने पास जो है कलेक्ट करना होता है। तो बेसिकली इसका काम हो जाता है कि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करता है, और वो चार्ज कैरियर आ कहाँ से रहे होते हैं, वो एमीटर की तरफ से आ रहे होते हैं। अगर इसी तरह हम लोग पीएनपी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास बेस आ जाती है जो कि बहुत ही लेस डॉप होती है, यहाँ पर हमारे पास एमीटर है जो कि बहुत ही हाईली डॉप्ड है, और यहाँ पर हमारे पास कलेक्टर है जो कि एमीटर से आने वाले चार्ज कैरियर को कलेक्ट करता है, और ये बेस से ज़्यादा डॉप्ड होता है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि बेस चूँकि बहुत ही कम डॉप्ड होती है, और ये बेस की नस्बत बहुत ज़्यादा हाईली डॉप्ड होता है। अब इसके बाद कि हम ट्रांजिस्टर को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके को हम लोग कहते हैं कि मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर। मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर मतलब कि हम लोग ट्रांजिस्टर्स को किस किस तरीके से अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये आपके पास एक ट्रांजिस्टर है, ये यहाँ पर मैं ट्रांजिस्टर बना लेती हूँ इस तरीके से। इस ट्रांजिस्टर के अंदर आपके पास जो है तीन पार्ट हैं, एक जो है आपके पास बल्कि थोड़ा सा गलत बन गया, इसे हम लोगों को इस तरीके से बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बेस वाला हिस्सा बहुत ही कम होता है, तो हम लोगों को इसे थोड़ा सा इस तरीके से बनाना चाहिए। ये अब हमारे पास जो है बन गया, इसे भी थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेना चाहिए ताकि जो है इक्वली साइज जो है इनका इमीटर और कलेक्टर का, और बेस जो है वो थिन साइज की है। तो ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है जिसमें ये हमारे पास इमीटर है, इसके बाद ये हमारे पास बेस है, और ये हमारे पास कलेक्टर है। और फॉर एग्जांपल कि हम लोगों ने एनपीएन की ले ली एग्जांपल, या आप यहाँ पर पीएनपी की भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों ट्रांजिस्टर के अंदर ये तीन पार्ट्स तो सेम ही होंगे। बेस कम डॉप होगा, और इमीटर और जो हमारे पास कलेक्टर है वो जो है ज़्यादा डॉप होते हैं बेस के पर। अब हम लोग बात करें कि हम लोगों ने ट्रांजिस्टर को किस तरीके से कनेक्शन प्रोवाइड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप ये कह लें कि ये आपके पास एमीटर है ना, इस एमीटर को और ये वाला बेस का जो पार्ट है इसे, यहाँ पर भी तो एक कोई ना कोई टर्मिनल लगता है ना, बेसिकली आपके पास तीन टर्मिनल लगते हैं इस तरीके से। अगर आप एमीटर को और बेस को इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं कि ये फॉरवर्ड बायस है, अब फॉरवर्ड बायस किस तरीके से होगा? फॉर एग्जाम्पल कि आपने यहाँ पे जो है पी एन पी की टाइप ले ली है, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मेरे पास पी एन पी है, तो पी एन पी में क्या हुआ होगा कि जाहिर सी बात है पी वाला जो हिस्सा है वो ये इमीटर हुआ, एन वाला बेस हुआ, और ये वाला पी जो है कलेक्टर हो गया। अगर मुझे इसे फॉरवर्ड बायस करना है तो क्या करना पड़ेगा, पी को जो है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और ये जो बी है इसे नेगेटिव टर्मिनल के साथ करना पड़ेगा। लेकिन इन केस कि यहाँ पर एन पी एन की एग्जाम्पल है और यहाँ पे बिल्कुल वही वाला हिस्सा बना हुआ है कि ये हमारे पास बेस है, ये इमीटर है और ये कलेक्टर है, अगर इस सिचुएशन में मुझे यहाँ पर फॉरवर्ड बायस करना है तो क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है फॉरवर्ड बायस करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर देना पड़ेगा, तो ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाता है। मतलब कि आप ट्रांजिस्टर की कोई भी टाइप यूज़ करें, आप अगर इमीटर और बेस के दरमियान फॉरवर्ड बायस कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं और कलेक्टर और बेस के दरमियान जो है रिवर्स बायस कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो ये वाला जो तरीका होता है इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास एक्ट मोड है या ये नॉर्मल मोड है, ये हमारे पास एक्टिव मोड है क्या, या इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास नॉर्मल
मोड है, मतलब कि जिसमें हम लोग ट्रांजिस्टर को इस तरीके से अटैच करते हैं जैसे इमिटर और बेस को फॉरवर्ड बायस कर देते हैं, चाहे वो एनपीएन हो या पीएनपी हो, या और उसके बेस और कलेक्टर को जो है रिवर्स बायस कर देते हैं। तो ये हमारे पास मोड ऑफ ट्रांजिस्टर का पहला टाइप हो गया, जिसमें जिसे हम कहते हैं कि या तो ये एक्टिव मोड है या ये नॉर्मल मोड है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ट्रांजिस्टर को यहाँ पर इस तरीके से नॉर्मल मोड में कनेक्शन यू प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद अगर हम इस तरीके से करें मेथड में, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर भी हम लोग जो है ट्रांजिस्टर ही इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा ट्रांजिस्टर हो गया, चाहे आप पीएनपी ले लें या आप जो है एनपीएन ले लें। तो हमारे पास क्या है, दो पार्ट जो है वो हाईली डोप्ड होंगे। ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ये हमें मालूम है कि ये हमारे पास जो है बेस है। तो ये जो है ये हमारे पास बेस आ गया, ये हमारे पास एमिटर आ गया, ये हमारे पास कलेक्टर आ गया। अगर हम ये काम करें कि इस सिचुएशन में हम लोग एमिटर और बेस को इस तरीके से कनेक्शन प्रोवाइड करें कि अब की बार ये रिवर्स बायस हो जाए और हमारा कलेक्टर और हमारे जो कलेक्टर और जो हमारे बेस के दरमियान कनेक्शन है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाए, तो इस तरीके का इस मोड को हम लोग कहते हैं कि ये इन्वर्टेड मोड है। इन्वर्टेड मोड क्यों हो गया कि अब हम लोगों ने कलेक्टर को और जो हमारा कलेक्टर और बेस है उसे फॉरवर्ड बायस कर दिया और एमिटर और बेस को रिवर्स बायस कर दिया। ये किस तरीके से हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये भी पी एन पी है, तो इस कंडीशन में इसे हम लोगों ने पी टर्मिनल को जो है नेगेटिव के साथ और एन टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पर ये पॉजिटिव के साथ है और यहाँ पर इसे इस तरीके से कनेक्शन प्रोवाइड किया कि ये नेगेटिव के साथ आ गया। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि ये हमारे पास जो है यहाँ पर जो है रिवर्स बायस बन जाएगा, और यहाँ पर हम इस तरीके से बैटरी लगाते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास पी जो है वो पॉजिटिव रहता है इस तरफ, क्योंकि हमें दो बैटरीज लगानी पड़ती है, एक बैटरी के साथ काम नहीं होता। एक बैटरी को यहाँ लगा के हम इसे रिवर्स बायस करते हैं और एक बैटरी को यहाँ लगा के इसे हम लोग यहाँ पर फॉरवर्ड बायस कर देते हैं। तो इस तरीके से ये वाला जो कनेक्शन है जिसमें हम एमिटर और बेस को रिवर्स बायस करते हैं और कलेक्टर और बेस को फॉरवर्ड बायस करते हैं, इसे इन्वर्टेड मोड कहते हैं। इसके बाद अगर हम एक ये वाला फंक्शन बना लें कि ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है जिसमें ये वाला हमारे पास बेस है और ये एमिटर और ये कलेक्टर है, हम क्या करें कि एमिटर बल्कि यहाँ से कनेक्शन लेना, ये हमारा एमिटर है ना, एमिटर को और ये जो है हमारी बेस इसे भी फॉरवर्ड बायस कर दें, और ये जो हमारा कलेक्टर है और ये जो बेस है इसे इस तरीके से कनेक्शन प्रोवाइड करें कि ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाए। यानी कि अब तक हम लोगों ने ये तीसरा कनेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। पहले कनेक्शन में क्या हुआ कि मीटर और बेस को जो है फॉरवर्ड बायस कर दिया, दूसरे कनेक्शन में क्या किया कि मीटर और बेस को रिवर्स बायस कर दिया, अब तीसरे केस में हम क्या करने जा रहे हैं कि दोबारा दोनों ही कनेक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दें। तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास सैचुरेटेड मोड आ जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम लोगों ने दोनों ही को जो हमारा एमिटर है बेस उसे भी फॉरवर्ड बायस कर दिया और अपने कलेक्टर बेस उसे भी जो है फॉरवर्ड बायस कर दिया है। काम हो सकता है ये तो अब हमारा तीसरा काम हो गया था ना, इसके अलावा अब हम एक और काम कर सकते हैं जिसमें हम क्या करें कि ये हमारा पास जो है एक ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर के अंदर दो पार्ट्स हैं, ये हमारे पास बेस है ये एमिटर है, बल्कि तीन पार्ट्स होते हैं ना। अब हम लोग क्या करें कि ये जो एमिटर है उसे बेस के साथ कनेक्ट कर दें, बेस के साथ कनेक्शन प्रोवाइड करते हुए इसे भी रिवर्स बायस कर दें, और कलेक्टर को जो है बेस के साथ कनेक्शन देते हुए इसे भी रिवर्स बायस कर दें। यानी कि अभी तक हम लोगों ने जो है एमिटर को बेस के साथ जो है फॉरवर्ड बायस भी कर दिया, रिवर्स बायस भी कर दिया, दोनों को फॉरवर्ड बायस भी कर दिया, अब दोनों को रिवर्स बायस करें, तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास कट ऑफ मोड है। तो इस तरीके से हमारे पास ये चारों टाइप्स आ जाती हैं कि किस तरीके से मोड्स हम बना सकते हैं ट्रांजिस्टर के मोड्स के, यानी कि उसको कनेक्ट करने के कितने के हमारे पास तरीके आ सकते हैं। अब इसके बाद जो है हमारे पास ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाती है कि हम लोगों को किस तरीके से बैटरी प्रोवाइड करनी है। तो ये हमारे पास ट्रांजिस्टर ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमें मालूम है कि ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर में हमें ये भी मालूम है कि तीन पार्ट्स हैं, ये इसके तीन पार्ट्स आ गए, ये हमारे पास बेस, ये हमारे पास एमिटर और ये हमारे पास कलेक्टर आ गए। अगर हम इस तरीके से कनेक्ट करें कि हम लोग इनपुट टर्मिनल के साथ भी जो है बेस को कनेक्ट करें, ये जैसे कि हमारा इनपुट टर्मिनल हो गया, और आउटपुट में क्या करें कि आउटपुट में कलेक्टर और बेस, तब भी बेस को ही लें, यानी कि बेस को हम लोग अपना कॉमन पार्ट मान लें, हम इनपुट में भी उसको रखें और आउटपुट में भी उसे रखें, तो इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास कॉमन बेस जो है कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। और अगर हम इस तरीके से काम करें कि ये हमारे पास एक हमारा जो है ट्रांजिस्टर है जिसमें हम बल्कि इस तरह से बनाते हैं पैरेलल वे में,
ये हमारे पास बेस वाला पार्ट है, ये हमारे पास एमिटर है और ये हमारे पास कलेक्टर है। अगर हम इस तरीके से करें कि ये हमारे जो एमिटर है उसको एक टर्मिनल के साथ और यहाँ पर बेस को यहाँ पर इस टर्मिनल के साथ कनेक्शन प्रोवाइड कर दें, और दूसरे सिचुएशन में क्या करें, बल्कि थोड़ा सही करना पड़ेगा, हम लोग इसको इस तरीके से कर देते हैं कि जैसे ये इस ट्रांजिस्टर में हम लोगों ने क्या किया कि ये हमारे पास जो है एमिटर और ये चीज़ हमारे पास बेस है और ये चीज़ हमारे पास देन अगेन कलेक्टर आ गई। अगर मैं ये करूँ कि ये जो इमीटर है इसे यहाँ पर लगाकर और बेस के साथ कनेक्शन प्रोवाइड कर दूँ, इसे मैं कह देती हूँ कि ये इनपुट आ गया, और आउटपुट में क्या करती हूँ कि आउटपुट में जो है अपने कलेक्टर साथ और इमीटर के साथ यहाँ पर कनेक्शन प्रोवाइड कर देती हूँ आउटपुट में। तो यहाँ पर मेरे पास जो है दोनों इनपुट और आउटपुट में जो है कॉमन हिस्सा है वो इमीटर है, तो इसे मैं कहूँगी कि ये मेरे पास जो है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, ये मेरे पास कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन आ गई। सिमिलरली अगर मैं इसे इस तरीके से करूँ, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेट करें कि ये हमारे पास जो है ट्रांजिस्टर आ गया, इस ट्रांजिस्टर के अंदर हमें मालूम है कि तीन पार्ट्स आएंगे, ये हमारे पास जो है कलेक्टर है, ये हमारे पास जो है बेस आ गया और ये जो चीज़ हमारे पास इमीटर है। अगर मैं इसे इस तरीके से कनेक्शन प्रोवाइड करूँ कि जो कलेक्टर है यहाँ पर कलेक्टर और जो बेस है और ये बेस, ये इसे मैं कह देती हूँ कि ये मेरे पास इनपुट टर्मिनल है, और आउटपुट में क्या करूँ कि अपने एमिटर और कलेक्टर को लेकर यहाँ पर आउटपुट बना दूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी कि ये मेरे पास इस सिचुएशन में मेरे पास कॉमन कलेक्टर आ गया। मतलब कि आप इस तरीके से डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं जिसमें आप मिड वाले हिस्से को जो है, मतलब कि आप कोई भी एक हिस्सा ले लें उसको इनपुट टर्मिनल के साथ भी जोड़ रहे हैं और आउटपुट के साथ भी, तो वो आपका कॉमन पार्ट बन जाता है। तो ये डिफरेंट इसके कॉन्फ़िगरेशन के भी मेथड आ गए कि हम किस तरीके से इसे आपस में अटैच कर सकते हैं ट्रांजिस्टर्स को। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि बेस के अंदर से तो करंट पास कर रहा है, ये जो बेस के अंदर से करंट पास करता है इसे बेसिकली हम लोग आई डी कह देते हैं। एमीटर के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा होता है उसे हम लोग आई ई कह लेते हैं। इसी तरह जो कलेक्टर के अंदर से करंट पास कर रहा होता है उसे हम लोग आई सी कह लेते हैं। तो ये तीन तरह के करंट्स आ जाते हैं, इन आपस में रिलेशनशिप भी है। जैसे कि एमीटर चूँकि सबसे हाईली जो पार्ट होता है तो उसके अंदर से जो करंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। ये करंट जो है ये बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम होता है, यानी कि आई सी कलेक्टर करंट और आई डी जो है बेस करंट, इन दोनों का एडिशन जो है हमारे पास आ जाता है एमीटर का करंट। इसके अलावा अगर हमें रेशो लेनी हो अपने कलेक्टर करंट की, हम लोग कलेक्टर करंट और बेस करंट की जो है रेशो ले लें, तो इसे हम लोग बीटा कहते हैं। मतलब कि आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह में बीटा को यूज़ करेंगे। बाद जगहों पर हमें क्या होता है कि हमें रेशो लेनी पड़ती है अपनी कलेक्टर करंट और बेस करंट की। जैसे कि आपके पास कोई भी चीज़ें, अगर आप लोग क्या करें कि आपके पास फॉर्मूला है ना फॉर इज इक्वल्स टू एम ए, अगर आप इसे इस तरीके से करें कि आप एम और ए की जो है रेशो ले लें, तो ये एम के एम एफ डिवाइडेड बाई ए की रेशो ले लें तो ये एम के इक्वल आ जाएगा। अब इस एम को मैं रिप्लेस करके अगर बीटा कह दूँ तो आप न्यूमेरिकल वगैरह में जहाँ भी ये वैल्यू यूज़ करेंगे आप बीटा ही कहेंगे, तो बीटा रेशो जो है वो किसके इक्वल होगी, इस केस में हमारे पास आई सी डिवाइडेड बाय आई बी करंट के इक्वल होगी। इसी तरीके से अगर हम इस रेशो की जगह ये वाली रेशो लें कि हम कहना चाह रहे हैं कि अब हम लोग जो है कलेक्टर करंट की रेशो ले लें एमीटर करंट के साथ, तो इसे हम लोग अल्फ़ा कह देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास अल्फ़ा के लिए भी रेशो आ जाती है, हमारे पास बीटा के लिए भी रेशो आ जाती है। और अगर हम लोगों को अल्फ़ा और बीटा का रिलेशनशिप बताना हो तो इसमें हम लोग बाद में बाकायदा प्रूफ भी करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ फॉर्मूलेस में देख लेते हैं कि किस तरीके से इसे रिलेटेड किया जाता है। जो अल्फ़ा है उसे अगर हम लोगों ने बीटा की फॉर्म में लिखना हो तो हम बीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस बीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो बीटा है अगर उसे अल्फ़ा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू वन डिवाइडेड बाई अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस वन। यानी कि आप इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर आपने बीटा को रिप्रेजेंट करना है अल्फ़ा के फॉर्म में तो आप अल्फ़ा डिवाइडेड बाय वन माइनस बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, बीटा और अल्फ़ा का भी रिलेशनशिप आ जाता है, अल्फ़ा के लिए सेपरेट वैल्यू भी आ जाती है और बीटा के लिए भी सेपरेट वैल्यू आ जाती है। अब एक एनिमेशन के थ्रू जितना काम हम लोगों ने आज किया है उसको समराइज कर लेते हैं। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि जो जो ट्रांजिस्टर होते हैं उन्हें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि हमारे पास हैं डायोड हैं और हम लोगों ने कैपेसिटर्स देखे हैं, इंडक्टर देखे हैं, उसी तरीके के बने हुए ये डायोड होते हैं। इन्हें हम लोग कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं, इसके अलावा हम इसे यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर जो है हमारे पास रेडियो वगैरह में यूज़ कर लेते हैं, इसके अलावा जो हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उसके अंदर हम लोग इसे इस्तेमाल कर लेते हैं।
जैसे कि हम लोगों ने देखा कि डायोड हम लोग किस तरीके से बनाते हैं कि हम ट्रांजिस्टर बेसिकली हम किस तरीके से बनाते हैं, हम दो डायोड ले लेते हैं, हम लोग या तो पीएनपी डायोड के थ्रू जो है ट्रांजिस्टर बना लेते हैं या एनपीएन डायोड के थ्रू जो है हम ट्रांजिस्टर बना लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि दो डायोड को बेसिकली एक दूसरे के रीजन के ऊपर मर्ज कर दिया जाता है। अगर आप दो रीजन पी के ले रहे हैं तो इनके दरमियान जो है बहुत थिक पार जो है एन रीजन का लेंगे। सिमिलरली अगर आप दो रीजन एन के ले रहे हैं तो इनके दरमियान बहुत ही छोटा सा पार जो है आप पी रीजन का लेंगे, जिसे आप एनपीएन और पीएनपी कहते हैं। इस तरीके से एक रीजन के ऊपर दूसरा एक रीजन लगा के जो है ट्रांजिस्टर को कंप्लीट कर दिया जाता है। और ट्रांजिस्टर बेसिकली बनते कैसे हैं, हम लोग सेमी कंडक्टर डायोड को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि उसी में हमारे पास पी और एन टाइप आते हैं, तो उसको मिलाते हुए हम क्या करते हैं अपना एक ट्रांजिस्टर कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने सर्कुलर पार्ट में आपको पहले भी दिखाया है कि हम लोग किस तरीके से एमिटर बेस ऑफ कलेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अगर बेस कॉमन है तो बेस इस तरीके से एमिटर और कलेक्टर आ जाती है। और बात अगर ऐसी होती है जैसे हम लोग एमिटर को बेस कॉमन पार्ट ले लेते हैं, और बात सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे हम लोग कलेक्टर को कॉमन पार्ट ले लेते हैं। ये हमारे पास पी एंड पी वाली एग्जांपल आ गई, जिसमें हम लोग पी को एमिटर कह रहे हैं और जो है यहाँ वाली पी को हम लोगों ने कलेक्टर कहा और एन पार्ट को हम लोगों ने बेस कह दिया है। अब हमें मालूम है कि जो हमारा एन पार्ट है वो हमारे पास बेसिकली ज़्यादा डोप्ड होता है, एन पार्ट जो है बेसिकली कम डोप्ड होता है, ई वाला पार्ट जो है बेसिकली मैं गलत बोल गई कि जो ई पार्ट है वो ज़्यादा डोप्ड होता है, हाईली डोप्ड होता है, और एन पार्ट जो है एन पार्ट हो या पी पार्ट हो बस मिडल वाला जो पार्ट होगा वो बहुत ही कम डोप होगा। अगर ये पी एन पी है तो अगर दरमियान में एन टाइप आ रहा है तो एन बहुत ही कम डोप होगा, और अगर ये एन पी एन है तो दरमियान में पी आ रहा है, मतलब कि बेस वाला पार्ट जो भी हो चाहे वो एन टाइप हो या पी टाइप हो वो हमेशा बहुत ही कम डोप होता है। और ये वही एग्जाम्पल आ गई जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया कि हमारे पास बेस जो है वो कॉमन पार्ट आ गया, और यहाँ पे एमिटर को मैंने फॉरवर्ड बायस कर दिया, और यहाँ पे कलेक्टर को मैंने बेस के साथ रिवर्स बायस कर दिया। तो क्या होता है कि बेस के दरमियान जो है एक यहाँ पर भी डिप्लेशन रीजन बन जाता है और एक यहाँ पर भी डिप्लेशन रीजन बन जाता है, मतलब कि डिप्लेशन रीजन की दो लेयर्स आ जाती हैं, एक वो लेयर जो एमिटर और बेस के पास होती है और एक वो लेयर जो है कलेक्टर और बेस के पास होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लेयर की जो थिकनेस है ज़्यादा है, क्यों कहते हैं क्योंकि ये रिवर्स बायस है और यहाँ पर कम है चूँकि ये फॉरवर्ड बायस है। तो इस तरीके से जो है आपने ट्रांजिस्टर को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं कॉमन बेस के थ्रू या कॉमन एमिटर के थ्रू। तो हर चीज़ के अंदर जो है आपका ये काम करने का जो इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल्स का मेथड है वो डिफरेंट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे पी एन पी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो दरमियान वाला रीजन है वो एन है, वो कम डॉप्ड है, और अगर पी है तो वो अगर पी दरमियान में आ जाएगा एन पी एन हो जाएगा तो जो पी वाला हिस्सा है वो बहुत ही कम डॉप्ड हो जाएगा। वो इस तरह से रहा होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इमीडिएट से जो है पास कर रहे होते हैं और इस तरीके से कलेक्टर की तरफ जा रहे होते हैं, और कुछ जो होल्स हैं हमारे पास वो होल्स जो हैं ये बेस वाला हिस्सा भी अपने पास रख लेता है ताकि स्मॉल करंट आई बी को भी पास करने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई करंट हो। तो इस तरीके से ये जो कलेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा होल्स को जो है रिसीव कर लेता है जो कि हमारे पास एमिटर से आते हैं। तो इस तरीके से जो बच जाते हैं होल्स जो यहाँ पर रह जाते हैं उनकी वजह से आई बी करंट फ्लो कर जाता है, जो यहाँ पर करंट होल्स होते हैं हमारे पास उसकी वजह से आई ई करंट फ्लो कर जाता है, और जो यहाँ पर जाते हैं उनकी वजह से आई सी करंट फ्लो कर जाता है। तो ये तरीके हैं डिफरेंट के किस तरीके से हमारे पास जो है कॉन्फ़िगरेशन आती है ट्रांजिस्टर की, किस तरीके से उसके मोड्स बनते हैं, किस तरीके से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं मूवमेंट करते हुए, अगर तो फॉरवर्ड बायस हैं तो करंट फ्लो करने देते हैं और अगर रिवर्स बायस हैं तो करंट को रोक लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ट्रांजिस्टर काम करते हैं। तो बेसिकली आज हमने देखा कि ट्रांजिस्टर हैं क्या, ये रेजिस्टेंस को ट्रांजिट करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। बेसिकली होते डायोड ही हैं लेकिन दो डायोड के पार्ट से हम लोग इसे बनाते हैं, और किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर अगर हम लोगों ने लोड रेजिस्टेंस को क्या करना हो, किसी सर्किट के अंदर हम लोगों ने ट्रांसफ़र करनी हो रेजिस्टेंस, तो हम ट्रांसफ़र करने के लिए रेजिस्टेंस को यहाँ पर ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हम इसके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के मेथड भी देखे कि हम इसे रिवर्स बायस भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड बायस भी कर सकते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स देखे, पार्ट्स के अंदर जो है इसकी डोपिंग का लेवल देखा, और किस तरीके से हम इसके कॉमन पार्ट की जो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं या कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं उसके बारे में देखा है। और इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से एमिटर और बेस को हम लोग जो है सिचुएशन में ला सकते हैं, किस तरीके से इन्हें कट ऑफ कर सकते हैं, किस तरीके से इन्हें इन्वर्टेड कर सकते हैं, और किस तरीके से इन्हें नॉर्मल मोड में लेके जा सकते हैं। तो ये सिर्फ हम लोग बाइपोलर में करते हैं, यूनिपोलर को हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, बाइपोलर्स को करते हैं क्योंकि इसमें एन पी एन भी आ जाता है और पी एन पी अभी आ जाता है, जो कि ट्रांजिस्टर की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दो टाइप्स हैं। अब अगर मेरे पास कोई इस तरह से पार्ट है जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की है ना कॉमन बेस की, अगर मैं इस तरीके से अपना सर्किट ले लूँ जैसे कि अभी हम लोगों ने ट्रांजिस्टर में देखे हैं, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर एक पार्ट है इस तरीके से, और यहाँ से यूँ करता हुआ यूँ निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये वाला हिस्सा जो है ये मेरे पास बेस है, ये मेरे पास एमीटर है, और ये वाला हिस्सा मेरे पास कलेक्टर है।
ये वाले टर्मिनल को भी मैं इनपुट के एक तरफ आउटपुट के साथ दे देती हूँ, एक तरफ इनपुट के साथ। तो मेरे पास जो बेस है इस सिचुएशन में कॉमन बेस होगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कॉमन बेस ऑपरेशन कर रहे हैं। ये कॉमन बेस ऑपरेशन हो गया किसके अंदर, ट्रांसिस्टर के अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल कि हम ये कौन सी एग्जाम्पल यूज़ करें, ये पी एन और पी की है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग इसे जो है सर्किट को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। अगर तो मैंने इसे बनाना है कि ये मैं बनाना चाह रही हूँ एक्टिव मोड, तो एक्टिव मोड के लिए मुझे क्या चाहिए कि मैंने पढ़ा है कि एमिटर और बेस के दरमियान हम लोग कौन सा कनेक्शन कर देते हैं, फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस के लिए हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल आ गया और ये नेगेटिव टर्मिनल आ गया। इस तरीके से करते हुए इसे यहाँ पर कनेक्शन प्रोवाइड करके क्लोज कर देते हैं। इस तरीके से ये सर्किट क्लोज हो जाता है हमारे पास। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस भी यूज़ कर लेते हैं। इस रेजिस्टेंस को भी यहाँ पर हम लोग इस तरीके से एक रेजिस्टेंस इस सर्किट के अंदर भी लगा लेते हैं, लोड रेजिस्टेंस आ रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने सी और इसे भी कनेक्शन प्रोवाइड करना है। अब ये पी और एन है, अगर मैं इसे एक्टिव मोड ही बनाना चाह रही हूँ, तो एक्टिव मोड के अंदर हमने ये पढ़ा था कि हमारे एक्टिव मोड के अंदर जो हमारा कैपेसिटर कलेक्टर है उसे और हम लोग बेस को क्या करते हैं, रिवर्स बायस कर देते हैं। रिवर्स बायस के लिए यहाँ पे रेजिस्टर लगाई। उसके बाद ये जो पी टर्मिनल है इसे नेगेटिव के साथ अटैच कर दिया। इसके बाद मजीद एक और बैटरी लगाई, मतलब कि डबल बैटरी यूज़ करते हैं, और पॉजिटिव टर्मिनल को क्या किया, एन टाइप के साथ जोड़ दिया। तो ये वाला हिस्सा मेरे पास बन गया रिवर्स बायस और ये वाला हिस्सा मेरे पास बन गया फॉरवर्ड बायस। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्टिव मोड के तरीके को यूज़ करते हुए पी एन पी ट्रांजिस्टर को क्या किया, उसमें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन भी यूज़ कर ली, और उसके साथ साथ ऑपरेशन के लिए क्या किया कि इस वाले हिस्से को फॉरवर्ड बायस और इस वाले हिस्से को रिवर्स बायस भी कर लिया। तो अब क्या होता है कि इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, आप कॉमन इमीटर भी ला सकते हैं, आप कॉमन कलेक्टर भी ला सकते हैं, और कॉमन इमीटर कॉमन कलेक्टर को आप पी एन पी से भी कर सकते हैं, और एन पी एन से भी आप किसी भी मोड में, आप एक्टिव मोड में, आप इन्वर्टेड मोड में, आप सैचुरेटेड मोड में, और कट ऑफ मोड किसी भी मोड में तब्दील कर सकते हैं। इस वाली चीज़ को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास वी ई ई वोल्टेज है और ये वी सी सी वोल्टेज है जो कि कलेक्टर का वोल्टेज होता है। और जो हमारे पास कलेक्टर का वोल्टेज होता है वो हमेशा हमारे वी ई ई से ग्रेटर देन होता है। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे होल्स और हमारे पास जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, उन दोनों की वजह से जो है करंट फ्लो करता है और इस सर्किट के अंदर जो है करंट के जो फ्लो है वो पूरा का पूरा हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को यहाँ पर इस तरीके से दिखा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए यहाँ पे जाते हैं, इसके बाद इस वाले हिस्से में चले जाते हैं और कुछ जो है अगले पार्ट में भी चले जाते हैं इस तरीके से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपना पैसेज जो है पूरा कर लेते हैं इस तरीके से फ्लो करते हुए, करंट को फ्लो कराते हैं इस तरह के पूरे सर्किट के अंदर से, और कुछ जो है इस बेस के अंदर भी चले जाता है। जबकि इन इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट जो है होल्स वो इस तरीके से मूव कर रहे होते हैं, कुछ जो पार्ट है वो बेस के अंदर भी चले जाते हैं। लेकिन जो कोई आपको मालूम है कि बेस वाला हिस्सा बहुत ही कम डॉप होता है, उसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो इमीटर में जाती है और इमीटर से जो है मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो है कलेक्टर की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे होते हैं, होल्स भी मूव कर रहे होते हैं, और इन दोनों की वजह से जो है करंट फ्लो कर रहा होता है इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर।